बच्चों, आज हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दो प्रॉब्लम है तो उसका एक फॉर्मेट अपने रेडी करके रखे हैं। फॉर्मेट में देखो, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लिखा जाता है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम सोल्व करना चाहते हैं उसमें बासु, हरीश एंड जादव आर थ्री पार्टनर्स, लेकिन कोई फर्म का नाम नहीं है। तो वहां पे अपने डॉट डॉट दे दिए, तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स डॉट डॉट ए फर्म जो अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। ईयर इंडेड में वहां पे अपने डेट देंगे। एज पर प्रॉब्लम द डेट इज 31 दिसंबर 2016। ये अपना फॉर्मेट है पीएलए प्रो, इन शॉर्ट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन शॉर्ट कॉल्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में खोजना होगा नेट प्रॉफिट कितना दिया है। क्वेश्चन में नीचे की तरफ जाइए, देखो वहां नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो अपने बिजनेस किए थे उस बिजनेस से 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पार्टनर्स करना है, पार्टनर को क्या देना है। तो आप अगर एक नंबर में देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के नाम के हिसाब से दे देंगे, बासु, हरीश एंड जादव, बासु, हरीश, जादव। बासु का कैपिटल था 50,000, 10% इंटरेस्ट इज 5,000, इसके लिए 4,000, ये 3,000, टोटल इज 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो भी था रेस्पेक्टिव कैपिटल के ऊपर 10% कैलकुलेट कर दिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में आ गया। तो 10% निकाले तो 5,000, 4,000 और 3,000। इसके बाद अगर देखा जाए तो रोमन 3 में बोल रहा है हरीश एंड जादव को सैलरी देना है, तो 2 पार्टनर सैलरी हरीश जादव। सैलरी है 500 रुपया पर मंथ, दैट इज 6,000, टोटल हो गया 12,000। 500 रुपया पर मंथ, एक ईयर का सवाल है, फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर, फुल ईयर 12 मंथ का सैलरी होगा। 500 × 12 6,000 करके दोनों को दे दिए। रोमन 4 में बासु को कमीशन देने को बोला है, एंड कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स 50,000, इसका 5% दैट इज 2,500, तो 2 पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन, कमीशन मिलेगा बासु, नेट प्रॉफिट का 5% दैट इज 2,500, 2 पार्टनर कमीशन हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय की तरफ आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पे चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के नाम के हिसाब से बासु, हरीश, जादव। इसके लिए ड्रॉइंग होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। क्वेश्चन में नीचे की तरफ जाके देखो, पहला पार्टनर जो बासु है ये 1,000 रुपए मंथली विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये वाला हरीश जो है मिडिल ऑफ ईच मंथ, और ये वाला एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसके लिए अपने को एक वर्किंग दिखाना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पहला पार्टनर है बासु, बासु का है 1,000 रुपया 1,000 पर मंथ, दैट इज इसका ड्रॉइंग हुआ 12,000, परसेंटेज है 10%,
बिगिनिंग था इसलिए 6.5/12, 6.5 मंथ का निकालना होगा। दूसरा था हरीश, हरीश का था 12,000, 10% मिडिल में था इसलिए 6/12 निकालना होगा। तीसरा है जादव, जादव का भी सेम अमाउंट है 12,000, 10% वो एंडिंग में निकाला था इसलिए 5.5 निकालना होगा। इसका होगा 650, 600, 550, यहां पे पुट कर देंगे 1800। अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करते वक्त एक चीज बोला गया है, प्रॉफिट का रेशियो, रेशियो इज 40%, 30%, 20%, 40, 30 एंड 20, 90% हो रहा है, 10% बच जा रहा है, उस 10% को बोला है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना टू जनरल रिजर्व। यहां 10% चला जाएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद वो जो बचेगा वो प्रॉफिट यहां बैठ आ जाएगा। वासु, हरीश, जादव, तो पहले यहां देखो इसका टोटल होगा 51,800। इस 51,800 से ये दोनों बात देना होगा तो रिजल्ट विल बी 31,500 शायद, हाँ ठीक 31,800 से 26,500 बाद देना है, 25,300। कैलकुलेटर तो नहीं है फिर भी, छब्बीस 25, तो इसका 10% जाएगा 2530, तो ये कम हो जाएगा। दस पांच दस ग्यारह सात अट्ठारह चौबीस चार अट्ठाईस एक उन्तीस। अब इसको रेशियो में देना है 4-3-2, 4-3-2। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैलकुलेशन विल बी 10, 120, 7,590 and 5,060। ठीक, ओके, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ये जो क्वेश्चन है वो 6 मंथ का है, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड उसके जगह पे आ गया फॉर द हाफ ईयर इंडेड, ये पूरा सवाल ही 6 मंथ का है। एज पर क्वेश्चन स्टार्टिंग पीरियड इज 1 जुलाई एंड एंडिंग इज 31 दिसंबर, तो जुलाई से दिसंबर ये 6 मंथ का समय, तो फॉर्मेट में हम लोग को जहां लिखते थे फॉर द ईयर इंडेड वहां हम लोग को लिखना होगा फॉर द हाफ ईयर इंडेड। क्वेश्चन का स्टार्ट होता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए उस नेट प्रॉफिट को रियली देखो, यहां एक नंबर हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
बिफोर चार्जिंग एनी आइटम रिलेटिंग टू पार्टनर्स। पीएल एप्रो में जो आइटम आपने लाना है, जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम है, उसको माइनस करने के पहले जो नेट प्रॉफिट आता है उसको यहां लाते हैं। क्वेश्चन में नीचे की तरफ जाके देखें, नेट प्रॉफिट तो दिया है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 207,000, लेकिन उसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग गॉर्डन सैलरी। गॉर्डन अपना एक पार्टनर है, पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद 207 है, हमको बिफोर चाहिए। तो बिफोर चाहिए तो उसका सैलरी हम लोग प्लस कर देंगे। उसका सैलरी सीरियल नंबर 4 में देखो, गॉर्डन इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। 500 पर मंथ 6 महीने का सवाल है, इट मीन्स 3,000। रिजल्ट विल बी 2,000। सवाल देखो, यहाँ पे ध्यान देखो, 6 मंथ हाफ ईयर इन डेट, 500 रुपया महीना है तो 6 महीने का 3,000, 3,000 एड बैक किए 210,000 दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक नंबर सीरियल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम है टेट, फिल एंड गॉर्डन। कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन इस बात का बार बार ध्यान रखना है, हाफ ईयर 6 महीने का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही 6 मंथ का है। तो पहला पार्टनर का कैपिटल 60,000 है, 5% 6 मंथ 1,500, दूसरे का 1,000 750, टोटल इज 3,250। उनका जो कैपिटल था 60,000 5% 6 मंथ, 40,000 5% 6 मंथ, 30,000 5% 6 मंथ। बार बार हम याद दिलाएंगे 6 मंथ, रीजन फॉर द हाफ ईयर। इसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट पर इंटरेस्ट अगर हम लोग अलाउ करेंगे तो इधर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन करेंट। अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो इधर आएगा 22 इंटरेस्ट ऑन करेंट। चार्ज क्यों करेंगे? अगर पार्टनर्स का कोई भी बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट होता है तो हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट इज आवर एक्सपेंस, प्रॉफिट में से देना है, इसलिए 2 में। अगर वही चीज डेबिट बैलेंस है तो उसपे चार्ज करना है तो भाई में चला जाएगा। तो हम करेंट अकाउंट का बैलेंस देख रहे हैं, 2 जन का डेबिट बैलेंस है। पहला पार्टनर फील एंड गॉर्डन, फील और गॉर्डन का डेबिट बैलेंस है 8,000 का क्रेडिट बैलेंस है। तो 8,000 को अपने अलाउ करेंगे, 4% पर रेट है, तो 8,000 का 12,000 है, 4% 6 मंथ 240। अच्छा, फील का दिया है 8,550 इंटू 4% 6 मंथ, अमाउंट विल बी 171। अब गॉर्डन का है 6,550 इंटू 4% 6 मंथ 131। इसको अपने ऐड कर देंगे 302। सीरियल नंबर 3 में बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो इस साइड का आइटम है, 22 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों पार्टनर का होगा, टेट, फिल, गॉर्डन। इसके लिए वर्किंग करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टेट, फिल, गॉर्डन। टेट का ड्रॉइंग है 200 रुपया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो
तो सिक्स मंथ का सम है तो 200 होगा तो 1200 होगा, 200 रुपया महीना, 6 महीना का निकालेगा तो 1200 और इंटरेस्ट का परसेंटेज है 6। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ इक्स मंथ, एक चीज देखेंगे हम लोग, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होने से बोला जाता है 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन हाफ ईयर इंडेड है, वो वन ईयर का होता था, वन ईयर होने से 6.5 का एवरेज पीरियड होता है और 6 मंथ होने से वो एवरेज का पीरियड चेंज हो जाएगा 3/5/12। दूसरे का बोला गया है, गॉर्डन का दिया हुआ है 400 एंड ऑफ ईच मंथ, गॉर्डन का 400 एंड ऑफ ईच मंथ 2400 होगा, 6% है, एंड बोला है इसीलिए 2.5/12 हो। फील जो पार्टनर है उसका ड्रॉइंग 1800 ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग होने से हाफ होता है 6%। हाफ, अब इसको अपने कैलकुलेट करके फिलअप कर देंगे। फर्स्ट पार्टनर का होगा 21, ₹30, यहां ले आते हैं 21, 27, 30, 70 सैलरी देना था टू पार्टनर, सैलरी गॉर्डन 500 पर मंथ था, 6 मंथ का 3000। लास्ट आइटम है टू पार्टनर कमीशन। अच्छा, कमीशन दो जन को देने को बोला है, सीरियल नंबर 5 में फील को और सीरियल नंबर 6 में टेड को, फील टेट, दो जन को कमीशन देना है। कमीशन का परसेंटेज है 5%, लेकिन अगर टेट का देखो तो लिखा हुआ है 5% ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट, आवर करेक्ट नेट प्रॉफिट इज 210, तो 210 का 5% निकाल देंगे, 210 का 5% 10,500। अच्छा, दूसरे को बोला गया है फील का जो कमीशन है 5% करेक्ट नेट प्रॉफिट, लेकिन एक वर्ड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसके लिए हमको वर्किंग दिखाना होगा, फील कमीशन 210 का 5% आफ्टर चार्जिंग बोलने से 100 प्लस वो रेट वापस प्लस हो जाए, आफ्टर चार्जिंग मतलब उसको भी माइनस करने के बाद, वो फिगर तो पता नहीं है, इसलिए 5/100 5 हो गया, 210 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5 रिजल्ट विल बी 10,000। ये कमीशन ला दिए 10,000, 2500 आंसर, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टेट फील गॉर्डन। अपने पहले क्रेडिट जोड़ेंगे 210,380 इस साइड ले आए, 210,380 से उसको माइनस करना है, 210,380 माइनस 3250 240,3000 20,500 रिजल्ट विल बी 183,390
इसको अपने को रेशियो में देना है. रेशियो इज 2:1, दैट इज 2 बाई 5, 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 × 2. फर्स्ट पार्टनर 73, 356. सेकेंड इज 73, 356. एंड लास्ट वन इज 36, 678. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसमें बता दे, ये क्वेश्चन हाफ ईयर इंडेड था, तो जितना इंटरेस्ट का काम होगा वो 6 मंथ का होगा. ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होगा पिछले सॉल्यूशन में 1 ईयर का था, बिगिनिंग होने से 6.5 था, एंडिंग होने से 5.5 था, ड्यूरिंग होने से 6 मंथ था. ये हाफ ईयर का सवाल है तो वो पीरियड अगेन एवरेज इफेक्टेड होगा, 6.5 के जगह 3.5, 5.5 के जगह 2.5 और 6 के जगह 3 होगा. दैट्स ऑल. ओके.